एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शामदीद, मैं रुबीना नाज़ जमाल नाज़ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर। तो यहीं पे हम लोग का बकरीद मनने वाला है। फर्स्ट टाइम है उसके ससुराल में बकरीद। यहाँ पे इसकी पूरी ससुराल की टीम है, मतलब जेठानी वगैरह हैं लड़के। तो यहीं पर हमारी बकरीद होने वाली है और अम्मी अबू भी आ गए हैं आज यहाँ पर, और भाई भी आ गया है। तो यहीं पर हम लोग मनाने वाले हैं और आप सभी को तहे दिल से बहुत 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 बकरीद मुबारक हो। और कल से ही काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। गर्मी उतनी नहीं है जितनी थी, और ठंडी मौसम है और अच्छा लग रहा है। इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा माहौल है नेचुरल गांव में। बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ आप सभी बताइएगा हमको। आज मैंने साड़ी वाड़ी पहन लिया है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे मैं साड़ी में दिख रही हूँ, और आप बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और आपको बताएंगे कैसे हम लोग मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं बकरीद यहाँ पे, तो दिखाएंगे आपको। ये सारे पेड़ लगा रखी है मेरी बहन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमें तो पीछे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सामने भी अच्छा व्यू है, पेड़ पानी खेत। सुबह उठो तो चिड़िया की आवाज़, कोयल चिड़िया, बहुत सारे आवाज़ आती हैं। इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आती हैं कि बता नहीं सकते आपको। और मुर्गे की भी आवाज़ आती है गांव में। तो चलिए, मैं चल रही हूँ और दिखाती हूँ आपको। तो मैंने रात में मेहंदी लगाया खुद से, ये हल्का फुल्का लगा लिया। त्यौहार है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है लगाना। और काफ़ी रात हो गई थी, अब पीने से वही बनाया, मसाला पीसा, सब कुछ तैयारी कर ली थी रात में ही। तो काफ़ी रात तक हम लोग जगे हुए थे, तो हमने मेहंदी लगाया। अपी का पैर में लगा और मेरे हाथ में, उसके हाथ में नहीं लगा, मेरे पैर में नहीं लगा। तो थक चुके थे तो हम लोग सो गए, और सुबह जल्दी उठना था इसलिए हम लोग रात में सो गए। जगने से कोई फ़ायदा नहीं, तबीयत ऑब्वियसली ख़राब हो जाती है जगने से ज़्यादा, तो फिर सुबह दिक्कत होती है उठने में। ये है मेरी अम्मी और उसकी अप्पी की सास हुसैन, सब खड़े हुए हैं यहाँ, बैठे हुए अब्बा हैं, और ये हमारे भाई। सभी को ईद उल अज़हा मुबारक। आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। ये छोले बन रहे हैं, इधर सेवैयां तैयार हो गई है। ये स्टोर करके रखा जा रहा है, देखिए सेवई हमारी अप्पी के। और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं सबके साथ, बड़े मज़े के साथ। यहाँ सब घर के लोग बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ घर, अपने अम्मी के घर, और अम्मी यहीं पे रहेंगी। और तब तक के लिए बाय बाय। मैं होके रेडी जा रही हूँ, सबसे मिल ली और हुसैन को टाटा बाय बाय कर रही थी। ये लेकर जा रहा हुसैन सामान, जेठ का लड़का है अप्पी के। सभी लोग हमें छोड़ने आ गए सड़क पे ऑटो के लिए, और ये हुसैन, सभी लोग चले आए थे हमको छोड़ने। अप्पी की जेठानी है, और ये है मेरे भाई, मम्मी।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, स्टेशन पे है अभी, स्टैंड में है अब्बा और जीजा जी के साथ अपने, और घर जा रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।